और देखिए मधुमक्खी सब आ रहे हैं। तो मेरे जीवन में ये पहली बार हो रहा है। आ गए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, इसे साहब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, तभी मैं ही उठ गई थी, और अभी मैं ब्रश व्रश करके फ्रेश हो गई हूँ और अभी जाती हूँ रेडी होने के लिए, कहे कि आज शुक्रवार है, लेट गिरजा जाना है। हम लोग 6 बजे है तो अभी 5:30 बजे हम लोग निकल जाएंगे चर्च के लिए। हम लोग रेडी होकर चर्च के लिए निकल गए हैं और थोड़ा देर में पहुंच जाएंगे चर्च। और सूरज को देखिए, चंदा मामा जैसे दिख रहे हैं। हो गया है जो उनका शहर, जो खंडार बन गया है, उनको बनाने के लिए भी वो प्रोत्साहित करता है और उन्हें मटेरियल देने की बातें भी करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उस उजड़े हुए नगर और यरूशलेम को बनाने के लिए बने, ये उन्हें प्रोत्साहन देता है। और हम लोग देखने पाते हैं कि जरुब्बाबेल और जरुब्बाबेल के नेतृत्व में पहला दल बबुल माने बेबीलोन से आते हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखने पाते हैं कि जरुब्बाबेल और यहोशू वहां पर जो जाचक। चर्च से वापस आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो भी मैं जाऊंगी किचन में और नाश्ता सब बनाऊंगी। कुछ नहीं, सूजी बना देंगे, वो जल्दी फटाफट से हो जाएगा और हम लोग खा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ बारी में और मैं कल का वीडियो में ही आज कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल सुबह बस वीडियो बनाई थी और शाम को और वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग का घर में मेहमान आ गए थे तो उधर मैं बिजी हो गई और वीडियो ही नहीं बनाई। और आज का मौसम देखिए, पूरा बादल बादल किया हुआ है और बादल भी गरज रहा है, पूरा बारिश होने जैसे पूरा मौसम बना दिया है। और इधर देख सकते हैं हम लोग का सनफ्लावर धीरे 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 पूरा सब में फूल पकड़ रहा है, और इधर वाला तो ख़त्म हो गया। ये भाजी साग को ना ये सब खा रहे हैं, क्या एक ठो काला काला है कीड़ा सब, वो सब खा रहे हैं। आज तोड़ूंगी सोच रही थी, लेकिन प्याज साग इतना ज़्यादा था कि इसको मिलाते तो फिर ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए मैं नहीं तोड़ी, कल तोड़ूंगी। और देखिए सनफ्लावर इधर का ऐसे हो गया है, सबसे पहले ये वाला हुआ था सबसे पहले, ये वाला, लेकिन ये जो साइड साइड का जो ये होता है ना, इसे वाला ये सूख गया है, उसका बस बीज वाला है जिसमें बीज होता है। और इसमें तो इतना, मतलब इतना बड़ा सनफ्लावर में कितना इसका बीज होगा पता नहीं। मेरा आज तक का जीवन में इस बार हम लोग मतलब पहली बार लगाए हैं, मैं कभी भी नहीं लगाई थी ये वाला, कि हम लोग के घर में भी नहीं लगाए थे हम लोग, इस बार पहली बार लगाए हैं। तो मेरे जीवन में ये पहली बार हो रहा है, बहुत खुश लग रहा है देख के। और देखिए मधुमक्खी सब आ रहे हैं। और ये वाला पेड़ में तो कितना ठो निकला है, 1, 2, 3, 4 ठो निकला है और चारों में ही फूल आया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए इसमें मधुमक्खी छोटा वाला। और आज हम लोग जाएंगे समाज के लिए, लेंट समाज के लिए, तो मैं खाना चढ़ा दी हूँ, बस अभी थोड़ा देर में पक जाएगा, क्योंकि इस साल हम लोग जो खेती किए थे ना, वही वाला धान को हम लोग चावल बनाए हैं, तो वाला जल्दी पक जाता है, जो नया धान होता है ना, मतलब नया चावल होता है वो जल्दी पक जाता है, तो मैं चावल डाल दी हूँ और अभी थोड़ा देर में पक जाएगा और
हम लोग भी रेडी हो जाएंगे जाने के लिए और टाइम भी हो जाएगा, मतलब वही 4:30 बोला गया है, लेकिन अभी कितना 3:30 बज रहा है। तो बस मैं उधर खाना चढ़ा दी और थोड़ा सा सोची कि कल का वीडियो को मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं इधर हम लोग का बगान तरफ आ गई। और कहाँ तो जाते वैसे हम लोग जाते हैं वैसे तो बाहर ऐसे कुछ ख़रीदारी करने के लिए या फिर कुछ काम में, लेकिन ऐसे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अच्छा से वीडियो बना पाऊँ, तो इसलिए नहीं बना पाती हूँ बाहर का भी। और जो भी मैं बनाती हूँ बस घर में और यहाँ बारी में और जंगल, बस उतना ही मेरा, और दूसरा जगह ही नहीं है जैसे लगता है। मतलब हर दिन यही चीज़ सब बार बार रिपीट होता है। कोई बात नहीं, जो भी है आप लोग देखिएगा और मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जहाँ समाज है वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और इधर मेरा कैमरामैन लोग आगे आगे चले गए और इधर पीछे तरफ मार लोग हैं आ रहे हैं। और ना बारिश स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है और बादल तो आप लोग सुन ही सकते हैं गरज रहे है। हम लोग का प्रचारक पहुंच गया है, हम लोग थोड़ा सा पीछे आ गए। देखिए बारिश हो रही है। हम लोग का समाज खत्म होने के बाद में हम लोग आ गए हैं घर, घर पहुंच गए हैं और अभी मेरे को सब्जी पकाना है, लेकिन पकाने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि ना हम लोग को वहाँ पर इतना ज़्यादा नाश्ता दे दिए कि पेट ही भर गया। अगर घर में कोई खाना नहीं खाएंगे बोलते तो मैं खुश हो जाती, मेरे को पकाना नहीं पड़ता सब्जी, और उसी खाना को मैं फ्रिज में रख देती, फिर कल के लिए भी हो जाता। ये मैं डिनर बांट ली हूँ, खाना तो पहले ही बना के गई थी, और ये सेम्बी का सब्जी और दाल, बस मैं 3 जन के लिए बांटी हूँ, मैं लास्ट में मेरे लिए निकालूँगी। हम लोग का डिनर हो गया है और सब कोई चला गया है अपना अपना रूम में सोने के लिए, और भी 8:30 बज रहे हैं और कल तो संडे है, तो इसीलिए मैं चावल भिगो के रख दी थी तो वो सबको पीस रही थी, तो मैं भिजवाई हूँ। और रोज़ ही मैं पीछे ही जाती हूँ क्योंकि जितना बचा हुआ खाना होना सब सबको समेटना पड़ता है, उसके बाद में मैं सोने के लिए जाती हूँ। और कल संडे है और पिछले सप्ताह बोले थे कि आने वाला संडे मैं आराधना करूँगी बोल करके, मैं आराधना करूँगी उसके बाद में प्रचारक उपदेश और उधर का बाकी मतलब उपदेश दूसरा भाग प्रचारक करेंगे बोल के बोले थे, लेकिन आज हम लोग समाज गए वहाँ बिल्डिंग गए थे, तो वहाँ पर प्रचारक बोले कि स्पीच भी थोड़ा दे देते तो अच्छा होता बोल के। फिर मैं सोची मैं मतलब की हूँ ऐसे तो थोड़ा मोड़ा, लेकिन कभी भी मतलब गिरजा आराधना में मतलब वेदी के ऊपर में कभी उपदेश नहीं की थी, मतलब आराधना सब की हूँ लेकिन उपदेश सब कभी नहीं की हूँ अभी तक, तो वही कोशिश करूँगी बोले हैं तो, और जब कोशिश नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा, कोशिश करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो ट्राई किया जाए। और प्राचार्य साहब भी बोले कि ट्राई तो करो कम से कम, ज़्यादा नहीं फिर भी 8-10 मिनट तो बोलो, तो मैं सोची फिर ठीक है फिर कोशिश किया जाए, डर के आगे जीत है। और डर किससे डरना है, पिता परमेश्वर मेरे साथ है सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ।
चलिए फिर मैं भी थोड़ा वचन सब देख लेती हूँ। वैसे तो पढ़ी थी लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी शाम को बोले है ना, तो सोचना पड़ता है थोड़ा। तो वो सब मैं तैयारी कर लेती हूँ कल सुबह के लिए। फिर मिलते हैं कल सुबह। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।